प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ आज नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नगर निगम की टीम ने आज अम्बाला शहर में 14 दुकानों को टैक्स लाखों का टैक्स बकाया होने के चलते सील किया। निगम के अधिकारियों ने बताया कि इन दुकानदारों को नगर निगम की तरफ से कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने टैक्स नहीं भरा, जिसके चलते आज इन दुकानों को सील किया गया है। अम्बाला नगर निगम इन दिनों प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वालों के खिलाफ अम्बाला नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आज नगर निगम की बड़ी कार्रवाई अम्बाला शहर की दुकानों पर देखने को मिली, जहां पर लंबे समय से लाखों रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने के चलते नगर निगम की टीम ने दर्जनों दुकानों को सील किया। जानकारी देते हुए नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि आज उन्होंने कुल 14 दुकानें सील की हैं, जिनका 3 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। उन्होंने बताया कि दुकानें सील करने से पहले इन दुकानदारों को कई बार नोटिस भी दिए जा चुके हैं, जिसके बाद भी आज ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और आगे भी प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ नगर निगम ऐसे ही कार्रवाई करता रहेगा। पॉलिटेक्निक के पास हमने 14 दुकानें सील की है और इनका जो प्रॉपर्टी टैक्स है 3,05,000 समथिंग रुपीज़ जो था वो जमा नहीं कराया गया और इनको बार बार नोटिस भी दिए गए, 87B का नोटिस दिए गए, उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाने। सर कितनी दुकानें शामिल थी सर आज इसमें? आज 14 दुकानों की। इससे पहले मोटर मार्केट में मुल्तानी मोटर्स के नाम से थी, उन्होंने अपना टैक्स एट द स्पॉट में जमा कराया, 1,00,000 के करीब था उनका, वो भी हमने जमा कराया। अपील करूँगा कि जिनका भी जो संपत्ति कर है बकाया है वो नगर निगम के अंदर जल्द से जल्द जमा करवा दें और अपनी सीलिंग की कार्रवाई से बचें। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।